हर हर महादेव। फ्रेंड्स, एक बार फिर से भगवान शंकर के त्रिशूल पे टिकी हुई एक काशी नगरी में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी को बताते हैं कि हम आ चुके हैं विश्वनाथ मंदिर के फर्स्ट गेट से अंदर, और यहाँ पे सामने गंगा द्वार आप सभी को नज़र आ रहा होगा, और यहीं पे पास में देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर का। अभी अभी हम दर्शन करके आए हैं, बाबा का एक तरह से बुलावा आया था तो हमने दर्शन किया है। तो ये शिखर दिखाई दे रहा है सभी को, जो कि पूरा गोल्ड का है। अगर आप सभी दर्शन नहीं करने आए हैं तो एक बार ज़रूर आएं, बाबा का दर्शन बहुत ही अच्छा था। तो और यही बगल में ज्ञान व्यापी मस्जिद भी है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी विवाद रहा है, 500 वर्ष शायद चला हुआ है ये पूरा, जो कि जल्द ही इसका निपटान होगा चुनाव बाद, ऐसा कहा जा रहा है। कई चीज़ें बदलेंगी अपने भारत की, तो सभी सहयोग करें प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जो चीज़ें हैं वो बदलें। सामने सकते हैं श्री काशीनाथ मंदिर ट्रस्ट के तरफ से यहाँ पे प्रसाद के लिए लगाया गया ये सब, इस तरीके से यहाँ पे जो कार्य है वो हो पा रहे हैं। देखिए कैसे दर्शन लोग कर रहे हैं यहाँ पे, साफ सफाई का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, पुलिस वाले, सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे दान पात्र वगैरह काफ़ी हैं। निःशुल्क लॉकर अंदर आके आप सभी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क जूता चप्पल भी रह सकते हैं, स्टैंड है, और बाकी आप सभी को पानी वगैरह पीना है तो अंदर जाके पी सकते हैं। और उसके पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी प्रसाद वगैरह बाहर नहीं लिए तो अंदर आके ले सकते हैं, लेकिन फूल मालाएं फ्रेंड्स आप सभी को बाहर ही देखने को मिलेगी, बाहर ही मिलेगी। देखिए अभी खाली खाली है उनसे, तो आप सभी ज़रूर आएँ और बाबा का दर्शन करें। अपने अभी उतना फ्रेंड्स खास भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ेगी। ये पूरा नज़ारा यहाँ का, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से लोग यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पे क्या क्या लेकर अंदर जा सकते हैं, बाइक की चाबी हो वो आसानी से अंदर जा सकेगा, कार की चाबी अंदर नहीं जाएगी, जो कि डिजिटल होता है तो वो चीज़ें नहीं जाएंगी, या कोई घड़ी वगैरह उस टाइप का नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा, बेल्ट वगैरह ले जा सकते हैं आप सभी। ऐसी कई सुविधाएं हैं जो कि अब धीरे बढ़ रही हैं, जैसे ही ज्ञान व्यापी का मसला सुलझेगा तो आप सभी मोबाइल अंदर लेके भी जा सकते हैं। ऐसे तो कोई कोई लेकर जाता ही है, जो वीवीआईपी होते हैं वो आसानी से लेकर जा सकते हैं, या वीआईपी में जो श्रेणी में आते हैं या फिर खास जान पहचान होता है तो वो मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन जो आम जन हैं, आम लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ें प्रतिबंधित हैं, जो कि फ्रेंड्स धीरे धीरे जो ये सिलसिला है ये बढ़ता ही जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप सभी को मोबाइल वगैरह अंदर आसानी से लेकर जाने के लिए सुविधाएं जो है वो मिल जाएंगी। सामने यहाँ देख सकते हैं हमने यहीं पे मोबाइल जमा किया था, यहाँ पे आप सभी निःशुल्क मोबाइल जमा कर सकते हैं। देखिए और यहाँ पर पूरा दुकानें भी खुली हुई हैं, बनारसी साड़ी से लेके हर एक चीज़ें यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, दोनों साइड मिलेगा आप सभी को। ये निकास द्वार है सामने, और इधर भी ऐसे ही दुकान वगैरह मिल जाएंगे देखने को।